वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी इजलास। वज़ीर-ए-दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक पर मुकदमा और गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी। कहा, मजहबी बुनियाद पर मुकदमा मुनासिब बात नहीं है, ये मामला नहीं ऐसे चलने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के मेम्बरान की अक्सरियत ने ख्वाजा आसिफ की तायद की मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, कहिए किस मुतालिक। देखिए, कौमी असम्बली का जो अजलास है उससे कबल मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका अजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, जहाँ दीगर उमूर डिस्कस हुए। वहाँ वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने जो शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक पर मुकदमा और गिरफ्तारी के हवाले से बात की। उनका कहा कि ये मुनासिब बात नहीं है कि मजहबी बुनियादों पर जो है वो मुकदमे बनाए जाएँ। माजी में हमारे साथ भी ऐसा होता रहा, लेकिन ये रवायत कायम नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा ये बात चल निकली तो मामला मजीद संगीन हो जाएंगे। जरा ये कंफर्म करें कि ख्वाजा आसिफ की इस बात की अक्सर अराकीन कौमी असेंबली जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं उस पार्लियामेंट पार्टी इजलास में मौजूद थे। ठीक है।